गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका वेलकम है। मैं सुनील कुमार तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर ले रहा हूँ, जिसमें हमने कम तक पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे। पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में दा के ही आदि शब्द। देखो हमने प्रेजेंट सिंपल में तो पढ़ा था, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा तो उसमें पढ़ा था ताता ते थे की थी। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ रहे हैं गा गे गी आदि शब्द आते हैं। क्लियर? रूल नंबर एक पर आ जाएंगे। रूल नंबर एक में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल तथा विल का प्रयोग करते हैं। शैल तथा विल का प्रयोग करते हैं। एक बात, अब हमको मैं आपको ये बताता हूं कि शैल का तो कहां करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम शैल का करेंगे और विल का कहां करेंगे। तो सबसे पहले शैल का प्रयोग, शैल का जो प्रयोग है वो हम सब्जेक्ट आई तथा बी के साथ करते हैं। आई तथा बी के साथ, लेकिन करेक्ट फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जहां सभी के साथ हर प्रत्यय के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओनली करेक्ट फॉर्म हम करते हैं। इसके बाद विल का प्रयोग, अब पर आई बी के बाद प्लूरल नंबर में से क्या क्या बच गया, सब्जेक्ट यू दे ही शी इट ने के। नोट भी करते रहे साथ साथ और ये होमवर्क भी आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। शैल का प्रयोग हम आई और बी के साथ करेंगे, जबकि विल का प्रयोग हम यू दे ही के साथ करें। क्लियर? अब आ जाइए रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। डिस्क्रीट रूप लेते रहो, या अगर कहीं कोई दिक्कत आए बाद में पता नहीं लगेगा। नंबर एक, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई अदर वर्ड हो गया उसको लिखा।
आपका क्या है, सेल और बिल, ये सेल ये बिल। फिर रूल नंबर दो, रूल नंबर दो में दिया है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के तुरंत बाद ध्यान रखो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, क्लियर। वर्ब की फर्स्ट वर्ब लिखी और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा,
दैट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर नॉट, नॉट के बाद गोइंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या राम पीछे पे नहीं घूमेगा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास यहाँ राम। राम के साथ सेंटेंस में से जो आएगा आपको मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया था उसको शुरू में लगा दो। क्या आएगा विल, क्या आएगा विल राम। तीसरे स्थान पर आपको नोट का प्रयोग करना है और नोट के बाद कोई वर्ब पर पहुंच जाओ। वर्ब क्या हो गई, घूमना है चलना है एक ही बात है, इसको कहते हैं हम वॉक। वर्ब के तुरंत बाद आप उल्टे चले जाओ इन द गार्ड। इस तरह से आपका एक और दूसरा एक सेंटेंस और बनवाएंगे। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास स्टूडेंट और स्टूडेंट बहुत ज्यादा है बहुवचन की संख्या में तो आप लगा दो। तीसरे स्थान पर आपको नॉट का प्रयोग करना है और नॉट के बाद वर्ब मेकिंग हो गई और वर्ब के बाद मेकिंग अ नॉइज। पीछे से उल्टे चलो कक्षा में को कहते हैं क्लास। इस तरह से आपका ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। ये आपको होमवर्क करना है प्रतिदिन का, प्रतिदिन कॉपी में होमवर्क करना है और इसके अलावा सेंटेंस आपको घर पर ही रह करके कॉपी में बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं भी बना सकते हैं, मानो कोई सेंटेंस आपने लिया वो नहीं हुआ तो आप उस सेंटेंस को मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास कर लो। थैंक यू।